मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत हिंदू राष्ट्र को लेकर इन दिनों गरमाई हुई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया। सिंधिया ने कहा कि पिछले एक सप्ताह और एक माह में जब से विधानसभा और लोकसभा का चुनाव की जो सरगर्मी तेज हुई है, तब से हम सदन के अंदर और बाहर रामायण और महाभारत का संदर्भ बहुत सुन रही हैं, साथ ही जनेऊधारियों की बहुत बात हो रही है। मंदिर की परिक्रमा के पर्यटन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कोई राजनीतिक दल पहली बार अपने मैनिफेस्टो में राम वन पथगमन की घोषणा कर रहा है, लेकिन देश की जनता सबको जानती है और उनके मखौटे जनता ही उतारेगी। जिनके आत्मा में विरोध है, और जैसे मैंने कल सदन में कहा कि जिनके दिल नहीं मिलते हैं उनके दल मिल रहे हैं, दूध का दूध और पानी की पानी, देश की जनता 2024 में करके भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित करेंगे। उनको अपनी सोच सलामत, गोविंद सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, उनको अपनी सोच सलामत, और जनता अपनी निर्णय लेगी और जनता का निर्णय चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा।